हेलो फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर को विंडोज़ 10 के अंदर कैसे रिमूव किया जाए, क्योंकि अब विंडोज़ 10 में इंटरनेट एक्सप्लोरर के नए अपडेट्स तो नहीं आ रहे हैं, तो एज ब्राउज़र के ही आ रहे हैं। तो हम इसको कम्प्लीटली अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसके इंस्टॉल का प्रोसेस है, क्लिक ऑन स्टार्ट मेन्यू, गो टू सेटिंग, हियर इज़ द एप्स। इसमें आपको यहाँ पे प्रोग्राम एंड फीचर में जाना है। यहाँ पे आपको मिलेगा टर्न विंडोज़ ऑन ऑफ फीचर। ये एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड मांग रहा है मेरे से, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड इसमें डाल दिया है। यहाँ पे हमें विंडोज़, इसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 को क्लिक कर देना है। टर्न ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर माइट इफेक्ट या विंडोज़ फीचर्स, कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है, और ओके कर देना है। ये अपडेट हुआ सिस्टम हमारा। इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है मूव होने में, डिपेंडिंग ऑन योर सिस्टम स्पीड। ये इसमें नहीं हो रहा है, कुछ इशू आया क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये हो गया शायद, नहीं हुआ। ये हो गया, अप्लाई चेंजेस का मैसेज आ गया है इसमें, क्योंकि इसमें बहुत सारे फीचर इंस्टॉल होते हैं, तो सबको क्या क्या चेंजेस किए हैं देखता है। और ये विंडो नीड टू रिबूट पीसी। अब इसको रिबूट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अनइंस्टॉल, ठीक है। अभी हम डाउन रिबूट कर देते हैं, इसको बाद में करेंगे। ओके, थैंक यू।